नमस्कार, कैसे हैं आप सब। महाराष्ट्र में महासंग्राम जोरों पे है। कभी सचिन बागजी को ईमानदार बताने वाले, समर्पित बताने वाले, अब शिवसेना, फिर उसके बाद मुंबई पुलिस के कमिश्नर के को निष्पक्ष बताने वाले, ईमानदार बताने वाले, उन्हें बीजेपी का एजेंट बताने लगे। अब सामना ने खुल करके सीधे तौर पे महाराष्ट्र के गृह मंत्री को संदेह के घेरे मिला दिया है। हमारे साथ होंगे अभी भाव तोरसेकर। महाराष्ट्र में बड़े नाम हैं भाव, और आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी बातों को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, और लगातार आप कहते रहते हैं हमसे कि भाव को जोड़िए। तो आपके साथ भाव हैं, भाव से सीधा संवाद करेंगे और आप उनसे जुड़ पाएंगे। उनसे भाव के अनुभवों का लाभ हम लेते हैं। प्रणाम भाव, कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक है एकदम ठीक। भाव? सामना ने क्या लिख दिया आप? सामना आज कल तक जो है, संजय राउत नए नए दांव चल रहे थे, आज बड़ा तीखा हमला शरद पवार के देशमुख पे कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? वो ही बता सकते हैं। वो तो देखो, सामना ये कोई सीरियस पेपर है नहीं, और संजय राउत को पता खुद को नहीं है कि वो क्या लिखते हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि इमरजेंसी में भी जो रामनाथ गोयनका इंदिरा गांधी के सामने झुके नहीं थे। रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस थे, जो एक्सप्रेस के जो संस्थापक थे, वो इमरजेंसी में इंदिरा जी के सामने नहीं झुके थे। उनको संजय राउत ने झुका दिया था, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। आज की जनरेशन के जर्नलिस्ट को मालूम नहीं। जी, मुंबई वो के जॉइंट कमिश्नर क्राइम थे अरविंद इनामदार। 80 के दशक में जब ये गैंग वॉर निकला था और फिर एनकाउंटर का जमाना शुरू हो गया, उस वक्त जॉइंट कमिश्नर क्राइम अरविंद इनामदार थे। उनके ही छत्र छाया में एनकाउंटर और गैंग वॉर का मुकाबला हुआ था। और उस वक्त संजय राउत लोकप्रभा नाम का इंडियन एक्सप्रेस का वीकली है मराठी में, उसके सब एडिटर थे। और उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया था कि इन अरविंद इनामदार बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने डिफेमेशन का केस डाला था। तो उसके लिए वो केस चला बहुत लंबा हुआ तक। वो संजय राउत लोकप्रभा छोड़कर सामना के एडिटर बन गए। लेकिन जब केस का रिजल्ट आया, वर्डिक्ट आया, तो उसमें अरविंद इनामदार के सामने इंडियन एक्सप्रेस को सर झुकाना पड़ा था। सिर्फ लोकप्रभा में नहीं, उनकी और जो पब्लिकेशंस है उनमें भी अरविंद इनामदार की माफी मांगनी पड़ी थी। उसके राइटर सब एडिटर का नाम संजय राउत था। तो आप समझ सकते कि रामनाथ गोयनका को जिसने सर झुकाने को बोला, वो राहुल उद्धव ठाकरे की हालत क्या बना देंगे। तो ऐसे संजय राउत पर ज्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं है। तो संजय उद्धव ठाकरे को तो समझ में आ रहा है। ये शरद पवार तो बहुत बड़े घाघ कहे जाते हैं, कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में उनसे बड़ा घाघ नहीं है। तो क्या संजय राउत शरद पवार को भी घुमा रहे हैं क्या भाव? शायद शरद पवार को 100 जन्म लेने पड़ेंगे संजय राउत समझने के लिए, क्योंकि एक मरतबा संजय राउत ने लिखा था कि पवार साहब को समझने के लिए कह रहे 100 जन्म लेने पड़ते। तो मैंने उस पर लिखा था कि खुद शरद पवार भी इतने जन्म ले रहे हैं कि खुद को समझने के लिए, उसको संजय राउत क्या समझेंगे। तो कल तो हमारे कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष है नाना पटोले, उन्होंने बोला था कि संजय राउत आजकल शरद पवार के प्रवक्ता बन गए। तो संजय राउत को पता नहीं कि वो राष्ट्रवाद एनसीपी में है, शिवसेना में है, या पत्रकार है, या तटस्थ है, क्या है, उनको ही खुद को पता नहीं है। और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बता दिया, हमको अधिकारियों को समझने में पहचानने में भूल हो गई हमारी। तो उनको कहाँ पता है, उनके लीडर जो है उनको भी समझने में उद्धव ठाकरे ने गलती की है, प्रवक्ता को समझने में गलती कर दी है। भाव
एक्सीडेंटल गृह मंत्री क्या होता है भाव? एक्सीडेंटल गृह मंत्री है महाराष्ट्र में, इसका क्या मतलब होता है? पत्रकारिता में भी मैंने अपने कई साथियों को कहा है, मैं अक्सर कहता हूं कि मैं एक्सीडेंटल नहीं, हमेशा मैंने शुरू से कहा, खैर ये अपनी बात मैं आप जैसे वरिष्ठ के सामने नहीं करनी है मुझे, लेकिन ये पत्रकारिता में भी हमने सुना कि 90% पत्रकार कहते हैं कि एक्सीडेंटल है, तो एक्सीडेंटलों का हाल क्या है आप देख रहे हैं, तो ये एक्सीडेंटल गृह मंत्री क्या होता है भाव? खुद संजय राउत एक्सीडेंटल एडिटर है। देखो वो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के एडवर्टाइज डिपार्टमेंट में काम करते थे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो क्लर्क थे, वहां से वो क्राइम रिपोर्टर बन के क्रिमिनल स्टोरीज निकले नगरे लोकप्रभा में, उधर से उठकर सामना में एडिटर बन गए। तो एक्सीडेंटल क्या होता है? मेरा ख्याल है देशमुख तो कुछ पेपर में या कोई चैनल में थे नहीं, या कोई एग्जीक्यूटिव कंपनी में कॉर्पोरेट में नहीं थे, बाद में पॉलिटिकल लाइन में। संजय राउत वैसे वो एक्सीडेंटल एडिटर है, तो उसको सब जगह एक्सीडेंटल दिखाई नहीं दे दिखाई दे तो कोई अजीब बात नहीं ना, वो खुद एक्सीडेंटल एडिटर है और वहां से राजनेता बन गए, तो उनकी सब बातें ही एक्सीडेंटल है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि शायद शायद मुझे, संजय राउत तो बड़े विद्वान हैं, उनको समझना बहुत भारी है, सौ जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन मैं जो उसमें से निकालता हूँ उसका मतलब ये है कि इनको बनाना नहीं था फिर भी बनाया गया। इसका कारण ये था कि पवार साहब को, अजीत दादा को तो होम मिनिस्टर बनाना नहीं था, दूसरे थे जयंत पाटिल, उनको भी बनाना नहीं था कि वो तो कठपुतलिया नहीं बन सकते। पवार साहब को होम मिनिस्टर ऐसा चाहिए था जो उनके हाथ की कठपुतली बनकर रहे। तो जिस ढंग से लोकसभा में कांग्रेस का अपोजिशन लीडर सोनिया या राहुल अपॉइंट करते, उसी ढंग से होम मिनिस्टर चुना गया, अपॉइंट किया गया। अब देखिए खड़गे को हिंदी अच्छी नहीं आती, इसके लिए उनको लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाया था। अब अधीर रंजन चौधरी को अच्छी हिंदी नहीं आती, तो इसके लिए मतलब उनकी पात्रता क्या है, उनके मेरिट क्या है कि वो अच्छे लीडर बन नहीं सकते अपोजिशन के, इसीलिए तो उनको बनाया जाता है। तो संजय राउत शायद ये बोल रहे हैं कि आपकी पात्रता नहीं थी इसीलिए आपको बनाया गया, इसलिए वो एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर। गृह मंत्री के ऊपर इस ढंग से आरोप लगा के क्या लग रहा है कि बहुत आसानी से फिर इसका मतलब संजय ये देशमुख को हटा साइड कर दिया जाएगा? क्या ज्यादा डर? अब देखिए यदि सिर्फ ट्रांसफर किया गया है परमवीर का, तो ट्रांसफर करने के बाद तो ये हाल किए हुए हैं, यदि उन्हें सस्पेंड किया जाता है या आखिर कोई कार्रवाई उनके ऊपर होती है तो क्या पता नहीं क्या होगा। तो क्या पूरी महाघारी सरकार जो ये एक्शन गृह मंत्री पर ले रही है, तो क्या वो परमवीर से डर करके ले रही है क्या कि परमवीर को साइड करना, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना, उन्हें सस्पेंड करना या टर्मिनेट करना ज्यादा खतरनाक हो सकता है बनिस्पत कि अनिल देशमुख को साइड कर दिया जाए? ये जैसा आप कह रहे हैं कि भाई ये एक्सीडेंटल है, किसी काम के नहीं है, ये इशारे पे नाचने वाले हैं, तो साइड भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे कैसे समझा जाए भाव? अब देखिए संजय राउत ने जो लिखा है वो मैं तो 6 महीने से बोल रहा हूं, बिल्कुल, कि होम मिनिस्टर को बातें नहीं करनी है। ये सब ये आघाड़ी के जो नेता है उनको लगता है कि सामने कोई कैमरा लेकर आए, बूम लेकर आए, माइक लेकर आए कि तो मैं बोलूंगा नहीं तो बेचारा भूखा मर जाएगा, तो कुछ न कुछ बोल दो, जेब से कुछ चवन्नी अठन्नी निकाल के दे देते हैं, उस तरह से बकवास करते हैं और उसमें ही खुद फंस जाते हैं। तो उसके देखिए महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर थे यशवंतराव चव्हाण, वो एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो शिविर था, कैंप था, उसमें उन्होंने बढ़िया साक्षात्कार दिया था, तो यशवंतराव चव्हाण ने बोला था राजनीति में क्या बोलना है उसकी जानकारी न रहे तो भी चलेगा, लेकिन क्या नहीं बोलना चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आजकल जो महाराष्ट्र में आघाड़ी के नेता है वो तो जो नहीं बोलना चाहिए वो बड़ी अगत्य से बोल देते, तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था ना। अब देखिए वो जो जो मामला है
कि क्वारंटाइन, शरद पवार जी बोले कि नहीं नहीं वो तो क्वारंटाइन में 15 फरवरी तक, वो कहां से वाजे को मिलेंगे। तो अमित मालवीय ने ट्वीट ही डाल दिया, वो ट्वीट किसका है, अनिल देशमुख का है, और उसमें सामने फोटो डाली है, उस पर माइक भी पड़े हैं चैनल के, तो वो तो पत्र यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, वो तो दिखाई दे रहा है। अच्छा उसके ऊपर क्या लिखा है देखो, अनिल देशमुख ने जो ट्वीट किया और फोटो डाली है उसके ऊपर क्या लिखा है, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने जो रिहाना के बारे में ट्वीट किया है वो शायद बीजेपी या मोदी सरकार में दबाव में आकर किया है क्या, उसकी भी इंक्वायरी करेंगे। अब इसकी इनको क्या जरूरत थी, आपके सामने वाजे नंगा नाच कर रहा है वो छोड़कर आप इंक्वायरी किसकी करेंगे, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की, ये क्या बात हुई, ये होम मिनिस्टर है, ये क्या बात कर रहे होम मिनिस्टर, जब ये ऐसा ट्वीट करते उनका कान पकड़ना चाहिए था। बिल्कुल, ये क्या बकवास कर रहे हो, वो विधानसभा के हाउस में है, अपोजिशन लीडर को धमका रहे हैं, आपकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मनोहर डेलकर आके यहाँ आत्महत्या करता है, उसको देखो कितना भरोसा है कि आत्महत्या महाराष्ट्र में आके करो तो न्याय मिल जाता है। श्रीवास्तव करके कोई छत्तीसगढ़ का बड़ा अधिकारी है महसूल रेवेन्यू का, वो आके नागपुर में आत्महत्या करता है, क्यों करता है, कि अगर सुसाइड महाराष्ट्र में करो तो न्याय मिल जाता है। यानी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि महाराष्ट्र में सुसाइडल टूरिज्म चालू है, ये होम मिनिस्टर है, ये क्या बकवास कर रहा है, ये अभी जाके 1.5 महीने के बाद या 1 महीने के बाद संजय राउत को पता चलता है, इनकी अकल कहां चल रही है देखो आप, इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, और पहले बोल देते और बाद में सोचते मैंने क्या बोला था, क्या वो बोलना, चीफ मिनिस्टर क्या बोले, संजय वाजे को ओसामा बिन लादेन क्यों बना रहे हो, यानी वो तो ओसामा बिन लादेन है ही नहीं, अच्छा खासा एक पुलिस अफसर है, यही तो चीफ मिनिस्टर बता रहे थे ना। अब अगर ये आप और बोलेंगे कि ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है, अरे यार चीफ मिनिस्टर जो बोल रहा है वो बीजेपी ने जबरदस्ती बुलवाया है, सचिन वाजे को ओसामा मत बनाओ, ये बीजेपी ने बनाया हुआ षड्यंत्र है, आपका चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, आपका होम मिनिस्टर बोल रहा है, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये सब क्या है, संजय राउत को इस षड्यंत्र के तहत सामना का एडिटर बनाया है, ये रोज कुछ उठकर बकवास करते हैं, इसके लिए बीजेपी कैसे जिम्मेदार है, इसका मतलब ये एक तरफ से कहते हैं कि हम तो सब बीजेपी की कठपुतलियां है, जो बीजेपी को चाहिए वो बकवास हम रोज कर देते हैं क्योंकि हम बीजेपी के षड्यंत्र की कठपुतलियां है, ऐसा ही स्टेटमेंट हुआ ना। आप तो कैमरे के सामने आके कुछ भी बोल देते हो, ये बीजेपी का षड्यंत्र कैसे हो गया। तो अब बात एक बात है और एक बात और बोल कि मामला ऐसा है कि इसके बाद अगर संजय राठौड़ का वो चव्हाण नाम की लड़की के सुसाइड के बारे में रिजाइन कर गए थे तो बीजेपी शिवसेना इनको प्रेशराइज कर रही थी कि अनिल देशमुख का रिजिग्नेशन होना चाहिए, इस्तीफा आना चाहिए, तो फिर भी नहीं पवार नहीं ले सके। इसका मतलब ये है कि अनिल देशमुख ने बताया कि भैया मैं तो अकेला नहीं जाऊंगा, डूबेंगे तो सनम आपको लेकर बुढ़े डूबेंगे, इसलिए बाद में जो दो एक दिन न्यूज आ रही थी कि अब इस्तीफा आ जाएगा लेकिन फिर बाजी पलटी। इसका मतलब अनिल देशमुख ने बोला है कि वाजे ने परमवीर को डुबाया, परमवीर मुझे डुबा रहा है लेकिन आप मुझे नहीं बचाओगे तो मैं तो अकेला नहीं डूबूंगा, नौका लेकर डूबूंगा, समझे आप। तो बिल्कुल भाव, तो अब तो ये हो गया ना कि आप जैसा कह रहे हैं कि यदि बरबोलापन है, ये संजय राउत ने कहा कि इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं तो खुद सीएम भी बरबोले रहे हैं, मगर एक्सीडेंटल फिर तो प्रक्रिया यदि असल कहा जाए तो एक्सीडेंटल तो खुद चीफ मिनिस्टर एक्सीडेंटल है महाराष्ट्र का। भाव आप एक और चीज इशारा कर रहे हैं, को कह रहे हैं हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो क्या
देशमुख के ऊपर जो आज संजय राउत का हमला है, क्या वो सिर्फ संजय राउत का प्लानिंग है या फिर इसमें शरद पवार का भी इशारा होगा? क्या इतनी आसानी से, मैं यही जानना चाह रहा हूं, क्या इतनी आसानी से अनिल देशमुख को ये साइड करके महाघारी की सरकार चला लेंगे क्या, और संजय राउत अनिल देशमुख चुपचाप बैठ जाएंगे क्या? देखो, 6 महीने पहले मैंने एक मराठी में वीडियो डाला था, उसका हेडिंग ही था कि शरद पवार जी शिवसेना का प्रवक्ता और जो कार्यकारी संपादक है उसको रोको, अर्णब को मत रोको। ये अगर अर्णब पर ताकत लगाने के बजाय संजय राउत पर अपनी ताकत लगा देते तो शायद ऐसे नहीं फंसते। ये फंसे जो बड़बोलेपन पर, अब इसका इशारा क्या है? अरे, अनगाइडेड मिसाइल जो होता है वो किसके इशारे पर चलता है? आपने गलती से उसको आग लगा दिए, अब जा जाकर गिरेगा और पता नहीं चल रहा है ये कहाँ जाकर गिरने वाला है। ये अनगाइडेड मिसाइल है संजय राउत। मैंने एक बार मजाक में लिखा था कि इमरान खान को उस बारे में कुछ बात मुझे याद, हाँ, ये जो अभिनंदन वर्धमान है उसको छोड़ा था, तब मैंने मजाक में लिखा था कि उसको छोड़ दो जल्दी, ऐसा इमरान खान ने बजवा को समझा दिया। तो बजवा बोले, क्यों, हम भी लड़ सकते हैं। तो बोला, नहीं, मुझे मोदी ने धमकी दी है, अगर नहीं वर्धमान को छोड़ा तो तुम पर राहुल गांधी को छोड़ दूंगा। तो उससे इमरान डर गए और बोले बजवा को कि वर्धमान को छोड़ दो वर्धमान को। तो ये तो सगे भाई है संजय राउत उसके। तो अनगाइडेड मिसाइल जो होता है उसको डर के रहना पड़ता है, छोड़ने वालों को भी। तो अब इस अनगाइडेड मिसाइल जो है भाऊ, शरद पवार इसका क्या करेंगे? यदि आप कह रहे हैं कि अनगाइडेड है और ये इशारा शरद पवार के तरफ से यदि नहीं है, तो ये अनिल देशमुख एक्सीडेंटल है, अनिल देशमुख बरबोला है। इसका मतलब है कि अनिल देशमुख को चुनने में फैसला तो शरद पवार का है, तो सीधे तौर पे संजय राउत ये हमला अब शरद पवार पे कर रहे हैं। मतलब पहले अनिल बाजे पे गया, पहले यह कहें कि वो मनसुख पे गया, सब काम मनसुख मान ले, सचिन बाजे पे गया, फिर कमिश्नर पे गया, फिर उसके बाद अनिल देशमुख पे। तो क्या आप धीरे धीरे बॉल बड़े साजिशन शरद पवार की ओर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं क्या, कि सब के लिए शरद पवार जिम्मेदार हैं? 96 के बाद एक वोरा कमेटी का रिपोर्ट आया है, वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। पब्लिश था? हाँ, बिल्कुल हा? लोग डिमांड कर रहे हो कब पब्लिश होगा, कब इसे मंत्री। अब वो तो जो रिपोर्ट है वो तो होम मिनिस्ट्री के पास पड़ी है, और होम मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन है आपको मालूम है? आज लगता है लोग बहुत लोग वोरा कमेटी खोल देंगे आज। आप उसके साथ पंगा ले रहे हो तो उसकी तो कीमत चुकानी पड़ेगी आप। तो कहां जाने वाला है इसका इशारा तो मैंने आपको दे दिया। बिल्कुल 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 भाव। तो आज ही न्यूज आई है कि शनिवार को बड़ी जल्दी सुबह मध्यरात्रि को कभी प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार जाके अहमदाबाद में जाके अमित शाह से मिले, ऐसी न्यूज आई है गुजरात के कुछ समाचार पत्रों। मैं इसी पे आ रहा था भाव, आज ये सवाल बड़े साइड से गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया और उन्होंने बहुत चालाकी से उस सवाल को टाल दिया, मतलब मना भी नहीं किया। तो कैसे इसको कैसे समझा, जरा इसे समझाइए भाव। नहीं, जो किया नहीं, देखो जो करना है वो बोलना नहीं, उसको तो राजनीति बोलते हैं। राजनीति का मतलब समझ लो ना, राजनीति का मतलब बहुत कुछ बोलो और हाथ में कुछ लगने न दो, उसको राजनीति बोलो। कम से कम बोलो और ज्यादा से ज्यादा बताओ, उसको राजनीति बोलो। तो अमित शाह बहुत कम बोलते हैं, पुराने जमाने में जो टेलीग्राम होता था वो कम से कम शब्दों में किया जाता था, तो उसमें बहुत सारा आशय होता था। तो अमित शाह जो है ना वो कम से कम बात करते, टेलीग्राफिक लैंग्वेज में बात करते, तो उसमें से आपको आशय ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है, निचोड़ निकालना पड़ता है। तो वो अभी बोलेंगे क्यों,
लेकिन आप सोच लो कि इतने गलत समय में, यानी रात को देर, कभी सुबह के बहुत पहले 2 या 3 बजे पवार और पटेल ये प्राइवेट विमान हवाई जहाज लेकर अहमदाबाद पहुंचे, ऐसा उस न्यूज में बताया गया। अभी वो कंफर्म कहां से भी नहीं हुआ है, ना अमित शाह से हुआ है, ना पटेल और पवार से हुआ है, लेकिन समझो वो सच है। तो इतने समय में, इतनी गलत समय में जाके मिलने की जरूरत क्या हो सकती? तो उनको देखो, अगर प्रेसिडेंट रूल आने वाला है तो उसका प्रस्ताव होम मिनिस्ट्री से जाता है, और पटेल और पवार मुंबई में नहीं बैठते, दिल्ली में होते, तो उनको कुछ चुकबुगावट मिली होगी कि भैया ये आदमी कुछ कर रहा है, तो उसको मिलकर भैया कम से कम हमारी धूम ना अटके इतना तो देखो, ये समझाने जा सकते हैं। और एक बात बता दूं कि जब जो बातें करनी नहीं है उसके बारे में पवार साहब का प्रवक्ता संजय राउत है, पवार जो बिल्कुल नहीं करेंगे वो बातें वो संजय राउत से बक लेते, लेकिन जो करना है उस वक्त उनके साथ प्रफुल्ल पटेल रहते। तो आप समझ लो इसमें क्या इशारा है। बिल्कुल, तो भाव क्या इसी का रिएक्शन सामना का ये लेख है क्या कि जो गुजरात में गए प्रफुल्ल पटेल को लेकर के, तो ये रिएक्शन है क्या, इसे रिएक्शन माना जाए क्या जो ये कह रहे हैं कि पूरा अनिल देशमुख पर जो आरोप लगा? सब डरे हुए है क्योंकि क्या होने वाला है उनको ही पता नहीं। देखो, रात को अकेले अंधेरे रास्ते से जाने वाला आदमी जोरों जोरों से गाना गाता है क्योंकि वो अपने ही आवाज को अपना साथी मानना शुरू कर देता है, वो डर उसको गवाने की शक्ति करता है कि भैया कुछ तो आवाज आनी चाहिए, इतनी शांतता अच्छी नहीं, डर होता है। तो आगाड़ी का हर नेता बोल रहा है, जोरों शोरों से बोल रहा है, लेकिन उसमें से कुछ निचोड़ नहीं निकलता। इसका कारण वही है कि हर कोई डरा हुआ है क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि आगे चलकर क्या होने वाला है। हाईकोर्ट में गए उसके बाद नहीं बोल रहे, तो आप उस पर एक्शन ले लो ना, आप तो गवर्नमेंट हो, क्यों नहीं एक्शन लेते? अगर आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, रश्मि शुक्ला है उस पर एक्शन ले लो, आपका अधिकार बनता है, लेकर दिखाओ एक्शन। क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्योंकि शायद आगे की कुछ बात निकल आए तो उसका डर रह जाए। देखो, ब्लैकमेल जो होता है उसका मतलब ये होता है कि 10% 12% 8% डिक्लेयर कर दो, 80-82% रोके रखो, आप उसका इनकार करो, फिर से कुछ 5-6% डिक्लेयर करो, तो आहिस्ते आहिस्ते तुम उस गर्त में फंस जाते हो। तो ये मामला वैसे हुआ है। रश्मि शुक्ला और सुबोध जायसवाल जो डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, वो जनवरी के पहले कुछ दिनों में महाराष्ट्र से डेप्यूटेशन पर निकल गए, उसके बाद सब ये शुरू हुआ है। उसका आशय क्या है, निचोड़ क्या है, ये अपने आप में कुछ बताता है कहानी। और अभी जाकर हमारे चीफ मिनिस्टर बोलते कि अधिकारियों को पहचानने में हमारी गलती हो गई। अब 25 साल से आप भाजपा के साथ रहे और बाद में बोलते हैं दोस्त चुनने में गलती हो गई, तो आज कर रहे हो वो गलती कहां नहीं है? क्योंकि आप खुद बताते हो कि कुछ समझने में, दोस्त बनाने में, अधिकारी साथ में लेने में, अनुयायी साथ में लेने में हमारी गलतियां हो जाती है, आप खुद कबूल कर रहे हो। तो आज जो आपके साथ है वो गलत कहां से नहीं हो सकते, हो सकते। अब वो आपको निचोड़ जाएंगे और बाद में बोलेंगे उनको एडिटर को बिठाने में हमारी गलती हो गई। अब संजय राउत बाजू में रखो और संजय राउत निरुपम के बारे में सोचो, संजय निरुपम भी कुछ समय शिवसेना के राज्यसभा के मेंबर थे। बिल्कुल बिल्कुल, सामना का हिंदू जो पेपर है, हिंदी सामना था, उसके एडिटर थे, वो आज क्या बात कर रहे देखो। तो सोचो 5-6 साल में, 2 साल में, 2 महीने के बाद संजय राउत किस भाषा में बोलेंगे, उसके बारे में सोचो जरा।
संजय निरुपम के पास देखो तो संजय राउत क्या बोलेंगे आगे जाकर आपको समझ में आ सकता है। और फिर संजय उद्धव ठाकरे बोलेंगे कि मुझे एडिटर चुनने में मेरी गलती हो गई, एक्सीडेंटल हो गया है एक्सीडेंट। संजय राउत को ये बताना होगा शायद कि ये एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है, तो पूरे की पूरी मिनिस्ट्री एक्सीडेंटल हो जाती है, पूरी मिनिस्ट्री एक्सीडेंटल है भाव। मगर ये परमवीर सिंह पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, कितना डर रहे हैं? मैं फिर इस पे आता हूं कि क्या परमवीर सिंह मतलब अनिल देशमुख पे हो सकता है एक्शन? ऐसा माना जाए कि इस सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि परमवीर सिंह को छेड़ सके, क्योंकि परमवीर सिंह के पास इतना कुछ है कि पूरा उघार करके रख दे इस महाघाड़ी सरकार को, महाउघाड़ी सरकार बना करके रख दे। बिल्कुल करेंगे ना, इसे क्या तो डर है इसलिए एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन नहीं ले रहे। कल तक आप उसकी उसका गुणगान कर रहे थे और एक दिन में उसको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वो उल्टा आ रहा है ना। अब देखिए ये इतनी तो कितना भी छोटा आदमी हो, कितना भी छोटा जीव, उसको खुद के बचाव का डिफेंस मैकेनिज्म उसके पास होता है, होता है। तो परमवीर हो वाजे हो, परमवीर की बात छोड़ो, अभी तक वाजे पब्लिकली कुछ नहीं बोला है, उसके बारे में कुछ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन बाहर आ रही। अगर परमवीर बोल रहे को उसका और आपके होम मिनिस्टर का सीधा कांटेक्ट था, तो परमवीर ने अपने खत में या याचिका पे जो मांग की उस पर ध्यान दो। या परमवीर बोल रहे हैं कि होम मिनिस्टर के घर में जो सीसी कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसका फुटेज निकालो, उसका मतलब समझ तो आप, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई मीडिया में। उसका मतलब ये है कि खुद पवार साहब ने बोला है या कौन ये देशमुख ने बोला है कि 15 फरवरी को वहां से निकले और 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक वो हम घर में ही थे, घर में क्वारंटाइन थे, बाहर निकले नहीं। तो उस वक्त सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है उसमें उनसे मिलने जो आ गए क्वारंटाइन में होते हुए भी, वो घर के मजदूर हो गए, काम करने वाले हो गए, डोमेस्टिक हेल्प होगी, कोई भी होगा, उनका कोई स्टाफ होगा होम मिनिस्टर का, और जो जो गाड़ियां अंदर आ गई उसका तो फुटेज मिलेगा। हाँ ठीक है, उन्होंने मास्क लगाया तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो गाड़ियां आ गई अंदर उसमें से अगर एक भी गाड़ी जो एनआईए के कब्जे में 6 गाड़ियां है उसमें से एक भी गाड़ी अगर उस फुटेज में मिलती है, उसका मतलब वाजे उस समय में क्वारंटाइन के समय में वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आया है, क्यों तो 6 की 6 गाड़ियां उस वक्त वाजे इस्तेमाल करता था। अगर उसमें से एक भी गाड़ी 16 फरवरी से 27 फरवरी तक देशमुख के बंगले पर आई हुई दिखाई देती है, उसका मतलब वाजे और देशमुख इनका डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है। और इसलिए परमवीर बोल रहे हैं कि वो फुटेज पहले कब्जे में ले लो, वो डैमेज किया जा सकता है, समझे आप? बिल्कुल। याचिका में उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि देशमुख के बंगले का सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लो। तो भाव क्या सुरक्षित होगा वो सब? आप इतने दिनों से देखिए कि याचिका थी सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, ये बीच में जो टाइम गया है, और ये देशमुख को उसमें पार्टी ना बनाना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकारा, क्या सब कुछ मिला जुला है क्या कि अब इतना समय तो मिल गया, अब इतने भी तो अज्ञानी नहीं है कि अनिल देशमुख के घर से फुटेज ना हटवा लें शरद पवार या खुद वो ना हटा लें, क्या ये सब जानबूझ के प्री प्लान है क्या? ये सब डैमेज किया गया होगा, लेकिन उसके पहले उसकी कॉपी दूसरे किसी ने नहीं निकाली, ये आप कैसे गारंटी दे सकते? ये मामला तो 13 मार्च से शुरू हो गया,
बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है आपने बाबू। ये मामला 13 मार्च से शुरू हुआ है ना, वाजे को अरेस्ट होने के बाद। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो बात 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक की है। तब तक वाजे परमवीर अनिल देशमुख ये तो सब दोस्त थे, अपने आप पर एक दूसरे पर भरोसा करते थे। तो परमवीर ने या वाजे ने वो फुटेज नहीं निकाली, आप कैसे बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हैं, बहुत गहरी बात कही। अब तो अभी डैमेज किया हो सकता है, लेकिन उससे पहले उसकी कॉपी निकली होगी। और इसमें तो ये गैजेट जो है वो सब गड़बड़ी करने में तो वाजे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। तो अपने बचाव के लिए उसने भी कुछ सबूत इकट्ठे करके कहीं तो रखे होंगे, शायद परमवीर में रखे हुए, क्योंकि देशमुख के घर में जो बंदोबस्त है वो तो मुंबई पुलिस का है, और मुंबई पुलिस पर अधिकार किसका चलता था? परमवीर का चलता था। तो परमवीर ये बता रहे हैं कि अगर वो डैमेज किया गया तो उसकी कॉपी है। ये बहुत गहरी बात कही है आपने भाव, मुझे लगता है कि आवाज दूर तलक भैया, यही तो न्यूज है, यही तो पत्रकारिता है। वो छोड़कर बहुत सारे बुड़बुड़े उड़ाए जाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता कि उसकी याचिका में क्या लिखा है भाव। इसीलिए इतनी गहराई में जब जाएंगे तो 50 साल के करियर में 29 अखबार आपको छोड़ने पड़े, इसका कारण यही तो है कि टिक नहीं पाएंगे फिर आप, क्योंकि जब पत्रकारिता का जिस ढंग का झोल बना हुआ है फिर उसमें कैसे ऐसे ईमानदार लोगों का चलना पड़ जाएगा। भाव तोरसेकर प्रतिपक्ष चलाते हैं यूट्यूब पे, और बहुत गहराई से आप सब डिमांड करते हैं कि जो मराठी खास करके और गुजराती भाषी जो है कि भाव से जाए, तो हिंदी भाषी भी कुछ सीख सकते हैं, वहां सुन सकते हैं, और इसीलिए मैं भाव को यहाँ लेकर के आता हूँ। भाव कुछ कुछ व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि जहां से वही खत्म हुआ कि कैसे जब सबूत ही खत्म कर दिया जाए। दिल्ली में भाव मैं लंबे समय क्राइम रिपोर्टर रहा, कोर्ट रिपोर्टिंग की लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ज्यादा समय मेरा 20 साल में अदालत की रिपोर्टिंग, गृह मंत्रालय की रिपोर्टिंग में बीता, इसलिए थोड़ा समझ पाता हूं इन सब चीजों को कि जब आप सबूत ही मिटा देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, भले ही लगे। मुझे याद है कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, जज थरेजा उस समय थे, कहा जाता है कि पहली कह दिया गया तंदूर मामले, उसमें प्रियदर्शिनी मट्टू मामले में, कि सबूत तो है लेकिन पेश नहीं किया गया, हत्यारा तो ऐसा लगता है लेकिन इसे सजा नहीं दी जा सकती है। इसी मामले में कह सकते हैं कि जो चीजें हुई है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, लोग बहुत पीड़ित हैं कि सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाई, कैसे कर पाएंगे जब ऐसे ऐसे अधिकारी सबूत गायब कर देंगे, सीसीटीवी फुटेज निकाल देंगे। कोई एक सवाल आपके देश पांडे जी, गोपाल देश पांडे जी कर रहे हैं कि भाव बताइए, महाराष्ट्र में ममता, साधुओं, दिशा, निशा, सुशांत, अर्णव, ऐसे ऐसे एंटेलिया तक का मामला आया, यानी लोकल से अंतरराष्ट्रीय हो गया, कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हो पाया? उस वक्त शायद सबूत मिटाए गए, और सबूत मिटाए ना जाए, यानी कि इन शॉर्ट में बता दूं तो मनसुख हिरेन का सुशांत ना हो जाए, ये जो काम है वो 13 मार्च को वाजे को एंटीसिपेटरी बेल नकारा, वहां से मामला शुरू हो गया। उसी दिन उसको बुलाया गया एनआईए में, उसी रात को उसको अरेस्ट हो गई। और मेरा तो ख्याल ऐसा है कि सुबोध जायसवाल जो डायरेक्टर जनरल थे यहाँ के, वो थक गए थे इनको समझाकर, वो खुद डेप्यूटेशन पर निकल गए, रश्मि शुक्ला निकल गई। उसके बाद से यानी जनवरी से लेकर अभी मार्च खत्म होने तो आया, तो छोटे छोटे बातों पर काउंटर इंटेलिजेंस है, नजर रखी गई है, उसके एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। 6-7-15 दिन में जिस ढंग से एनआईए को सबूत मिले वो मैं सच नहीं मानता। उसकी तैयारियां शायद जनवरी के पहले हफ्ते से हो चुकी थी, और इस मामले को पूरा का पूरा टर्न जो है वो थाने के सेशंस कोर्ट से मिला है। शासन के सेशन कोर्ट ने पहले उसका एंटीसिपेटरी बेल नकारा, उस दिन उसको अरेस्ट हो गई। और उसके बाद अब कल परसों जब महाराष्ट्र की एटीएस, जिसको पहले से ही एक केस मनसुख हिरेन का सुसाइड
या हत्या ये एटीएस कर रही थी वो भी एनआईए के पास सौंपने की तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन जब इनके ध्यान में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आ गया कि भाई ये भी एनआईए के पास चला गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उसको सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। लेकिन परसों शुक्रवार को जब एटीएस वाजे का कब्जा मिले इसके लिए उसी थाने सेशंस कोर्ट में गई तो सेशंस कोर्ट ने बोल दिया पहले उसकी तो कब्जा आपको मिलेगा नहीं, वाजे को तुम्हारे कब्जे में देंगे नहीं, लेकिन तुम मनसुख हिरेन के हत्या का मामला भी तपास बंद करो, इंक्वायरी बंद करो, इन्वेस्टिगेशन बंद करो और जो कुछ इकट्ठा हुआ है वो एनआईए के पास सौंप दो। इसका मतलब थाने के कोर्ट ने इनसे एटीएस से भी ये मामला निकल दिया, हाथ से निकाला और एनआईए के पास सौंपा है। तो पूरा का पूरा मामला गड़बड़ थाने के सेशन कोर्ट में हुआ है, सेशन कोर्ट में हुआ है। तो इसका मतलब मैं निचोड़ ये निकालता हूं कि सुशांत का मामला तो निकल गया जाने दो, लेकिन मनसुख हिरेन की हत्या हम किसे को पचने नहीं देंगे। बिल्कुल भाव, ये शायद कोर्ट ने थाने के तय किया है। तो सुशांत सिंह बच नहीं पाए, उनको न्याय शायद नहीं मिलेगा, लेकिन उनका न्याय मनसुख हिरेन की माध्यम से मिल सकता है। बिल्कुल भाव, इसीलिए कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो पत्रकारिता हो रही है उस पर लोगों की रुचि है। लोग कह रहे हैं हम टीवी छोड़ दिए, हम भाव तोर सेरकर जी को देख रहे हैं, उदय शंकर आपको प्रणाम कर रहे हैं, अपर्णा लुथके आपके प्रदेश की हैं, जबरदस्त फैन हैं आपकी और रेगुलर हमसे ये मांग करती रही अपर्णा जी की आप भाव को बुला करके लाइए, ये आपकी रेगुलर फैन है, कोई भी वीडियो नहीं छोड़ती है अपर्णा जी। तो अपर्णा जी का सवाल है कि अभी खबर चल रही है कि बीके सिंह में मीठी नदी से ने दो कंप्यूटर सीसीटीवी के दो डीवी और एक ही नंबर के दो नंबर प्लेट मिले हैं। अपर्णा जी बड़ी गहराई से नजर रखती हैं आपकी खबरों पर भी और महाराष्ट्र की पूरी खबरों पर भी, जरा इनकी बातों को इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये जो मीठी नदी के पास से जो मीठा करवा करवा चीज मिल रहा है उसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? नहीं ये तो देखो पूरा मैं नहीं मानता कि ये अपने आप हो रहा है या वाजे बता रहा है, वाजे ने क्या क्या किया इस पर बिल्कुल बारीक नजर रखी गई थी, उसको वो सब करने दिया है। देखिए एक बात होती है कि अभी कुछ हुआ नहीं, आप क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ हुआ तो नहीं, तो उसको ये गुनाह करने दिया गया है। देखो जो मछुआरा होता है वो जाल फैलाते जाता है और समुन्द्र में पानी जब भर्ती में आ जाता है हाई टाइड में तो आने तक वो मछुआरे का जाल वहां पड़ा रहता है और जब हाई टाइड पूरी हो जाती है तो वो जाल उठाया जाता है और जब पानी पीछे जाने लगता है तब वो खींचा जाता है। तो 13 मार्च के बाद ये जाल उठाया गया, तब तक हाई टाइड आने दी गई। तो मेरा ख्याल ऐसा है कि जनवरी के पहले हफ्ते से एनआईए की इन सब पर नजर थी, इनको करने दिया गया। देखिए एक मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो जो डिटेक्टिव था न्यूयॉर्क का डिटेक्टिव था, उसका नाम मैं भूल गया, उसकी किताब है, वो तो एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस था लेकिन उसकी नजर इतनी शार्प थी। एक बार उसने एक औरत को पकड़ के लाया और सब डिटेक्शन ब्रांच में सौंप दिया कि भाई इसको जरा उसकी साफ उसको देखो क्या है ये, तो बोले क्या देखना है, नहीं बोला ये औरत नहीं लगती मुझे, तो औरत नहीं लगती तो उसको जब ढूंढा गया तो दिखाई दिया कि औरत थी ही नहीं, वो तो पुरुष था, मर्द था, लेकिन उसके पास जो लाइसेंस वगैरह था सब चीजें परफेक्ट थी। तो डिटेक्शन ब्रांच के लोग हैरान हो गए, ये ट्रैफिक पुलिस ये कैसे पकड़ सका। तो उसको बोला पूछा गया कि भैया हम भी अगर उस नाके पर होते तो हम इस औरत को छोड़ देते थे, तुमने इसको क्यों लाया, उसका तो लाइसेंस भी इसका परफेक्ट है, मेकअप वगैरह के हम भी छोड़ देते। तो उसने बोला मेरे अनुभव की बात है, मैं 8 साल से ट्रैफिक में काम कर रहा हूं, मेरा अनुभव ऐसा है किसी भी औरत को अगर रोको
और कुछ उसकी पर्स की कोई चीज मांग लो तो उसको निकालने में 2 से 2.5 मिनट लगते हैं। ये अजीब औरत मुझे मिली, उसने 12 सेकंड में लाइसेंस निकाल के दिखा दिया। तो मुझे शक हुआ ये औरत नहीं है, बस उसके लिए लाया। अब ये कोई फरारी गुनेगार था ये तो मुझे मालूम नहीं था। तो बाद में उसको ट्रैफिक पुलिस से उठाकर डिटेक्शन ब्रांच में ले लिया गया, और जो कोई टेढ़े मेढ़ी केस होती थी वो देते थे और वो ढूंढ निकालता था। तो उसने एक वाक्य मुझे उसका बहुत पसंद है, वो बोलता है ऑब्वियस इज ओवरलुक्ड, जो सामने होता है जब आप ढूंढना शुरू करते हैं वो सामने होकर भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा मगज देखता है आंख नहीं देखती। तो मैं चाइल्ड जैसे आंख से देखना चाहता हूँ और मुझे सामने है वो दिखाई देता है। तो इसमें भी ये बात है कि, और एक उसने बात, उसका सेंटेंस मुझे याद है कि अगर कोई गुनहगार आपको सबूत छोड़ के नहीं गया है तो एक काम करो, उसको ओवर कॉन्फिडेंट बनाओ, तो वो सबूत लाके आपके हाथ में दे देता है। तो वाजे के लिए वो जिलेटिन की गाड़ी उधर रखना वो ओवर कॉन्फिडेंट बात थी, वो उसकी गलती उसको करने दी गई है, उससे वो शिकंजे में आ गया, उससे वो शिकंजे, वो ओवर कॉन्फिडेंट बन गया कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूं और फंस गया। तो ये मामला जो है वो बहुत गहरा है, वो और कुछ महीने चलने वाला है, उसके बहुत सारे पर्दे और पहलू उजागर होने वाले हैं। हमको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं कि हिरेन का मामला जो है वो अब एनआईए के पास आ गया, सुशांत का मामला भी हिरेन एनआईए के पास आएगा, साधुओं का मामला भी आएगा। जो जो केसेस वाजे ने हैंडल किए वो एक एक करके वाजे ने इन्वेस्टिगेट किया, यही अगर शंकास्पद है वो सब मामले एनआईए को हाथ में लेने पड़ेंगे। सुशांत की मौत है वो फिजूल नहीं जाएगी, इस पर भरोसा रखो। साधुओं का मामला भी फिजूल नहीं जाएगा, धीरज रखो। वो बहुत गहराई बात कर रहे हैं आपने, तो अपने यहाँ कमेंट्स बंद रखा है, मगर मेरे व्यूअर्स जो आपके लिए कमेंट्स दे रहे हैं, आपके लिए आपकी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपके तर्कों में वजन होता है, और एक नहीं अनेकों जो व्यूअर्स हैं आपके, मतलब आपको ना सुन पाने की पीड़ा में है, कहते हैं कि मैं इन्हें सुन नहीं पाया, मराठी नहीं जानता इसके कारण। कई ये लिख रहे हैं कि इतने दिन कहाँ थे, मतलब आप लोगों को ये भाव तोड़ सरकार का दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र की मीडिया का, कि आप जैसे लोगों को बड़े मंच नहीं मिले, मगर आज आप जिस ढंग से साल भर के अंदर लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर के साथ यूट्यूब पे भाव प्रतिपक्ष के साथ हैं, मराठी थोड़ी बहुत समझ आपको आएगी, भाव को सुनिए, मैं तो ये कहूंगा। बड़े पैमाने पर भाव लोग में, फिर भी कुछ लोगों का सवाल मुझे लेना जरूरी होगा। मराठी एक मराठी मीडिया में मैं बहिष्कृत पत्रकार हूँ, मेनलाइन इसीलिए मीडिया में मैं बहिष्कृत पत्रकार हूँ। तभी तभी भाव जनता में इतने लोकप्रिय, आप इतने जल्दी हो गए कि हिंदी वाले जो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि लगातार कमेंट्स आपके लिए इस तरह से आ रहे हैं। जगदीशन जी पूछना चाह रहे हैं आपसे कि एक्सीडेंटल खिचड़ी गवर्नमेंट शुड बी डिसमिस, होना नहीं चाहिए क्या? अमित मिश्रा जी, एक सवाल दोनों का एक साथ ले लेता हूं, वो कह रहे हैं कि भाव यदि ये भाजपा और एनसीपी का चुनाव हो गया तो क्या अनैतिक गठबंधन नहीं होगा क्या? इस पे आप क्या कहेंगे? दोनों के सवाल का एक साथ जवाब दे दीजिए। नहीं, मेरा मेरा जो आकलन है उसमें बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन होगा नहीं। बीजेपी जाएगी तो मिड टर्म पोल के लिए जाएगी, ये सरकार गिराने की कोशिश करेगी लेकिन सरकार बनाने की कोशिश नहीं होगी। तो फिर इस मीटिंग का क्या मायने भाव, जो गुजरात में बताया जा रहा है, क्या इसमें कुछ दम है या सिर्फ बेदम है ये बातें ना, जो अगर अगर ऐसा मिल अगर ऐसा मिले है तो शायद पवार साहब डरे हुए कि इसमें कहीं मैं न फंस जाऊं, भैया मुझे छोड़ दो बाकी सरकार गिराओ कुछ भी करो। पवार ऐसे एडजस्टमेंट बहुत सारे समय करते हैं, तो वो भी उद्धव को डुबाना है डुबा दो, देशमुख को डुबाना है डुबा दो, मेरी पूछ उस इसमें नहीं फंसनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है, आखिरी सवाल भाव, उसके बाद खत्म करते हैं, समय ज्यादा हो गया आपसे, मैंने 35 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मांगा था। अब भाव लोग पूछ रहे हैं कि सरकार जाएगी या रहेगी, मतलब क्या गुजरात में जो खेल हुआ, क्या
क्या माना जाए इसको? देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है, कुछ पक रहा है क्या? ये गोपाल देश पांडे पूछ रहे हैं। रमेश पटेल जी कह रहे हैं कि भारत ऐसा देश है जहां इस तरह से चीजें होती है और क्षम्य हो जाता है, ऐसा करके कह रहे हो, शायद निकल गया उनका सवाल। इन सबको एक बार कंक्लूड कर दीजिए, तब आपको मैं विदा दे दूं, ताकि ये सब लोगों को सरकार गिनने की उत्सुकता है। तो एक बात बता दूं, नेपोलियन ने बड़ी भारी बात कही है कि अगर आपका दुश्मन आत्महत्या कर रहा है तो उसमें हस्तक्षेप मत करो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो अगर ये सरकार अपने आप में गिरने वाली है, और अमित शाह ने बार बार बता दिया है, फडणवीस ने बता दिया है, ये सरकार अपने ही वोट से गिरेगी, तो उसके मौत का जिम्मा या उसकी हत्या का जिम्मा ये लोग क्यों उठाए? अपर्णा जी, आप कहना चुके जबरदस्त फैन है अपर्णा जी, आपको पता नहीं क्योंकि आपने कमेंट्स बंद किया हुआ है, महाराष्ट्र से हैं। अपर्णा जी ने मुझे एकदम से तंग कर रखा था पिछले 6 महीने से कि भाव को कब आप बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि भाव इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, एकदम तर्क शुद्ध विश्लेशन है उनका। पता नहीं आपको कहिए, मुझे मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर आप लिख सकती हैं। चलिए मैं अपने व्यूअर्स को आपका ईमेल एड्रेस दे दूंगा, ताकि आपसे संपर्क कर सके। आपके अनुभव का लाभ हमने उठाया अपने हिंदी के श्रोताओं के लिए। भाव ऐसे समय निकालते रहिए, आपके अनुभव का ध्यान जो है, हम जैसे जो एक युवा पत्रकार हैं, युवा ही कहेंगे, आपके सामने तो अभी बच्चे हैं, तो आपके अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाव, बहुत प्रणाम। आपके श्रोताओं को भी बहुत प्रणाम भाव, बहुत बहुत आभार आपका।